हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपका यूट्यूब चैनल जो है वो सर्च में क्यों नहीं आता, उसका रीज़न क्या है, उस बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद मैं आपको दो ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा जिसके करने के बाद आपका चैनल जो है वो सर्च में आने लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल सर्च में क्यों नहीं आता, उसका क्या रीज़न है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप यूट्यूब पे कोई अपना नया चैनल बनाते हैं तो उसका जो नाम रखते हैं आप वो यूनिक नहीं होता, डिफरेंट नहीं होता, जिससे आपका चैनल सर्च में नहीं आता। आप क्या करते हैं, अपने माइंड से कोई भी नाम सोच लेते हैं और उसे बिना सोचे समझे YouTube पे सर्च करें बिना ही उसको आप अपने चैनल का नाम दे देते हैं। और जब आप अपने चैनल के नाम से YouTube पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको उस नाम के हज़ारों चैनल दिखाई देते हैं और उसमें लाखों सब्सक्राइबर भी होते हैं, उनके हज़ारों सब्सक्राइबर भी होते हैं, जिससे आपका चैनल जो है वहाँ पे शो ही नहीं करता, सर्च में कहीं पे भी शो नहीं करता। और ये सबसे बड़ी गलती होती है आजकल के यूट्यूबर्स की कि वो अपने चैनल के नाम को डिफरेंट नहीं रखते। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने YouTube चैनल बनाएं उसका जो भी नाम रखें वो एकदम यूनिक होना चाहिए। आप सबसे पहले जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उस नाम को आप YouTube में सर्च करके देखें कि इस नाम से कोई दूसरा चैनल तो नहीं बना हुआ। अगर उस नाम से कोई दूसरा चैनल बना हुआ है तो आप कोई दूसरा नाम रखें, एक अलग नाम होना चाहिए जिस नाम से कोई चैनल ना हो YouTube पे। ठीक है, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो जो चैनल बनाया हुआ है उस नाम से भी कई सारे चैनल हैं, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने चैनल के नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से ईजिली जाके उसे सीख सकते हैं। मैं आपको अभी ये सब प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊँगा कि आप अपने यूट्यूब पर जाके अपने यूट्यूब चैनल के नाम को कैसे सर्च कर सकते हैं। और मैं आपको दो सेटिंग्स के बारे में भी बताने वाला हूँ अब। तो आप चाहें तो अपना मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको सेम YouTube एप्लीकेशन के अंदर जाके वर्क करना है, मैं आपको लैपटॉप पे सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है www.youtube.com और एंटर कर देना है, तो ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी YouTube की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को, जो आपके चैनल का नाम है, उसको यूट्यूब में कैसे सर्च करते हैं, उसको सर्च करने का क्या तरीका है, पहले वो सीख लीजिए। यहाँ पे जो ये सर्च का ऑप्शन जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना चैनल का नाम डालना है। जैसे आपके चैनल का नाम कुछ भी हो, जो भी है वो यहाँ पे डाल देना है आपको। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ ये, उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिल्टर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इस फिल्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको इससे रिलेटेड चैनल ढूंढने हैं इस नाम से रिलेटेड। तो आपको ये टाइप वाला सेक्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको वीडियो, चैनल, प्लेलिस्ट, मूवी, ये ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें हमें चैनल जो ये दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारे चैनल संजीव कुमार के नाम से आ चुके हैं। ये संजीव कुमार, ये भी संजीव कुमार, और इसमें हम नीचे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे संजीव कुमार, संजीव कुमार, तो ये काफ़ी सारे चैनल यहाँ पे आ चुके हैं संजीव कुमार के नाम से। तो हमें अपने चैनल का नाम ऐसा रखना है जो यूनिक हो, उस पर कोई दूसरा चैनल ना बना हुआ हो। तो यहाँ पे मैं जैसे अपने चैनल का नाम डाल के आपको दिखा देता हूँ, विकास 31 टेक, इसको डाल के सर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा चैनल सबसे ऊपर आता है। और अगर आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा के देखें, टाइप करके यहाँ पे चैनल पे जाएं, तो आप देख सकते हैं मेरे नाम से कोई भी यहाँ पे दूसरा चैनल नहीं है, मेरा एक यूनिक नेम है, सिर्फ मेरा ही चैनल इस नाम से
YouTube के ऊपर है और कोई भी चैनल यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो आपको भी ऐसा ही अपने चैनल का नाम रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स के बारे में। जो दो सेटिंग आपको करनी है अपने YouTube चैनल में, तो आपको ये YouTube चैनल में अपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आएंगे, इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से योर चैनल के अंदर जाएंगे। यहाँ से हमें कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका YouTube स्टूडियो का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, डैशबोर्ड, कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, सबटाइटल्स, कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन, कस्टमाइजेशन, ऑडियो लाइब्रेरी, और नीचे ये एक ऑप्शन दे रखा है आपको सेटिंग्स का। आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जनरल चैनल, अपलोड डिफॉल्ट्स, परमिशंस, कम्युनिटी एग्रीमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले आपको अपलोड डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे टाइटल दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसमें आप जो भी कुछ डालेंगे वो जब आप अपनी कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाती हैं, और यहाँ पे नीचे टैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक हैशटैग बना के डालना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसमें आपको हैशटैग डालना है पहले। उसके बाद आपको अपने चैनल का नाम रखना लिखना है इसमें। जैसे मेरा है Vikas31Tech, ये हैशटैग आपको अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा लगाना है अपने चैनल का। जो भी आपका चैनल है आप वो हैशटैग लगा के अपने चैनल का नाम लिख देना। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे टैग्स में यहाँ पे भी आपको हैशटैग और अपने चैनल का नाम यहाँ पे भी आपको लिखना है। ये तो आपकी पहली सेटिंग है, तो ठीक है, आपको टैग्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी अपने चैनल का नाम हैशटैग के साथ लिखना है। ये आप वीडियो अपलोड करते टाइम भी कर सकते हैं, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने चैनल का नाम ज़रूर हैशटैग के साथ टैग्स में और डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसे सेव पे क्लिक कर देना है। इसे ऐसे सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगी आपकी सेटिंग्स। उसके बाद आपको दोबारा सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद दूसरी सेटिंग जो है उसमें आपको चैनल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे आप बेसिक इन्फो के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड्स जो हैं, मैंने यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड्स डाल रखे हैं, Vikas31Tech, टेक्नोलेज, टेक्नोलेज, टेक न्यूज़, अलग अलग करके भी डाल रखा है। इसमें आपको हमेशा अपने चैनल का नाम ज़रूर डालना है इन कीवर्ड्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है Vikas31Tech है, उसको एक साथ भी डाल रखा है, अलग अलग भी डाल रखा है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपके नाम से सर्च करेगा तो सीधा आपका चैनल उसके सामने आ जाएगा। इसमें से कोई भी कीवर्ड वो सर्च करेगा तो आपका चैनल उसे सर्च में दिखाई देगा। इस तरीके से आपका चैनल जो है वो सर्च में आ जाता है। तो ये कीवर्ड्स आपको जितने हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स इसमें डालने हैं अपने चैनल से रिलेटेड, और अपने चैनल का नाम तो इसमें 100% आपको डालना है अगर आपके अपने चैनल को सर्च में लेके आना है। तो ये दो सेटिंग्स हैं जो आपको अपने चैनल के अंदर ज़रूर करनी है। इसके करने के बाद आपका चैनल जो है वो सर्च में ज़रूर आएगा। जैसे आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डालेंगे उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, और सेव पे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को सर्च के अंदर ला सकते हैं इन दो सेटिंग्स को करने के बाद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको पता लग गया होगा कि आप अपने YouTube चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।